क्योंकि कई बार बीच में लोगों को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लगती है कि सर आप इधर उधर की बातें मत किया करो। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन डीसी में? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। काफी लोग इसका आंसर जानते हैं। राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 के अंदर। ओके, और नेक्स्ट पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क, बर्लिन। तो पहले एक दो क्वेश्चन आपको आसान दिए जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे। राइट आंसर है वॉशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय सेम ही जगह पर है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई, इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, का मुख्यालय कहाँ पर है? टोक्यो, बीजिंग, कोलंबो या फिर मनीला? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला के अंदर। राइट आंसर है डी। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब मनीला किस कंट्री में है? ये फिलीपींस के अंदर है, तो फिलीपींस के अंदर है, याद रखिए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1910 में, 1915, 1919 में या फिर 1924 में? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए यहाँ पर मुझे। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है 1919 में। अब आईएलओ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा। तो अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से सुन लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन जो है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो कहां पर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा? तो राइट आंसर क्या है? जिनेवा। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? जो आपने एक रेड क्रॉस देखा होगा, इसका मुख्यालय कहां पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय वर्न, लंदन, जिनेवा या फिर पेरिस? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ और रेड क्रॉस दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, याद रखेंगे क्योंकि आईएलओ का मुख्यालय आसानी से याद होगा, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। वेरी गुड। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये मेरा ग्रीन क्रॉस है, यहाँ पर रेड क्रॉस नहीं हो सका। चलिए मैं आपके लिए रेड क्रॉस बना देता हूँ। और चलिए ये लीजिए, आपके लिए रेड क्रॉस बना दिया गया। ओके, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए यहाँ पर? 1863, 1885, 1890 या फिर 1895? तो रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको शायद पता भी होगा, कई लोगों को नहीं पता है, तो याद रखिए रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई थी। 1863, 1863 काफी पहले की गई थी रेड क्रॉस की स्थापना, और उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस का काम करती है ये इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, लियोन, फ्रांस, लंदन या फिर जिनेवा? तो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है मुझे बताइए कमेंट करके फटाफट से। तो ये कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस के अंदर है इंटरपोल का मुख्यालय। ओके, उदार ऋण खिड़की, यहाँ पर खिड़की आएगा। ओके, खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? LARDA को, IMF को, IFC को या फिर IDA को? तो उधार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, तो IFC को उधार ऋण खिड़की कहते हैं। अब IFC की फुल फॉर्म क्या है मुझे ये बता दीजिए। उधार खिड़की बोलते हैं इसको क्योंकि आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाता है। सॉफ्ट लोन विंडो IFC को कहते हैं, और ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। और IFC बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935, 1945, 55 या फिर 65? तो राइट आंसर क्या है? 1945। राइट आंसर है बी। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1910, 1920, 1926 या फिर 1936? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी एग्जामिनर यही आपसे पूछना चाहेगा, और राइट आंसर आपको बताना चाहिए 1926 में, 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। अब राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय पेरिस, न्यूयॉर्क, मुंबई या फिर लंदन? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए मुझे यहाँ पर फटाफट। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। सी, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? 1935, 1949, 1955 या फिर 1972? तो अब
बताइए मुझे, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय तो मुंबई में है, 1926 में स्थापना हुई, लेकिन भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य किस वर्ष बना था, ये बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1955 में जो है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। तो राष्ट्रमंडल से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, स्थापना 1926, हेडक्वार्टर मुंबई, और भारत कब सदस्य बना 1955 में। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखिए राष्ट्रमंडल से, इसके अलावा एग्जामिनर कुछ आपसे पूछ ही नहीं सकता राष्ट्रमंडल के बारे में। ओके, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1936, 1940, बताइए नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और सॉरी यहाँ पर जो है भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय सदस्य बना था, ये 1945 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी मुझे खुद को, तो 1949 है यहाँ पर, याद रखिए। और नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ओके सॉरी मैं अभी चेक करता हूँ 12th का, ओके सॉरी मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है, मुंबई बाय मिस्टेक लिखा गया, ये किसी और चीज़ का मुख्यालय है, ये बाद में बताऊंगा। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है, और भारत किस वर्ष सदस्य बना, 1949 में, तो यहाँ पर याद रखिए लंदन, और यहाँ पर 1949, ये थोड़ा सा याद रखिए, 1926 लंदन, और उसके लिए सॉरी थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था क्वेश्चन में, और 1949, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1936, 1940, 1949 या फिर 1950, बताइए नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। ओके, तो नाटो की स्थापना की गई और राष्ट्रमंडल का सदस्य एक ही वर्ष में बना था इंडिया, याद रखिए यहाँ पर, और नाटो की स्थापना 1949 में, तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिए। नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है, नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है, बेल्जियम में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर दुबई में, नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है, बताइए मुझे, नाटो का मुख्यालय कहां पर है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स के अंदर है, याद रखिए बेल्जियम के अंदर है नाटो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहां पर है, WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, और आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो बताइए WHO की स्थापना कब की गई थी। मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे करवाता जाऊंगा। WHO का मुख्यालय कहां पर है, चलिए ऑप्शंस दिखा देता हूं, बिना ऑप्शंस के आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके थैंक यू घनश्याम कर्ण जी, थैंक यू पबजी लवर जी। तो WHO का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा, टोक्यो, लंदन या फिर लुसाने, तो कहां पर है बताइए मुझे फटाफट, तो कहां पर है, जिनेवा के अंदर है। तो इससे पहले हमने 2 हेडक्वार्टर और देखे थे जिनका जिनेवा में था, जिसके हेडक्वार्टर कहां किस किस के थे, जिनेवा में, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा के अंदर, और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई, SAARC, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, तो सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1975, 1980, 85 या फिर 1990, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 75, 80, 85 या फिर 90, किस वर्ष की गई थी सार्क की स्थापना, 1985 में, राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, ढाका, पेशावर या फिर काठमांडू, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू के अंदर। काठमांडू किस देश की कैपिटल है, काठमांडू किसकी है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, काठमांडू किसकी कैपिटल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा पड़ोसी देश कौन सा है बता दीजिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, ASEAN, किसी को आसियान के फुल फॉर्म पता है कमेंट कीजिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता, पेशावर, काठमांडू या फिर नई दिल्ली, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जकार्ता के अंदर है, जकार्ता किसकी कैपिटल है, इंडोनेशिया की। तो इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, रेड क्रॉस के संस्थापक किसे माना जाता है, रेड क्रॉस जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ था, हेडक्वार्टर आपको बताया इसमें बताया मैंने जिनेवा के अंदर था, 1863 में स्थापना की गई थी, उसके संस्थापक किसे माना जाता है, जॉन विलियम्स को, हेनरी ड्यूरंट को, जॉर्ज बुश या फिर अब्राहम लिंकन, तो रेड क्रॉस के संस्थापक किसे माना जाता है, यहाँ पर बताइए हेनरी ड्यूरंट को रेड क्रॉस का संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, वेरी गुड स्मृति बनाटिया जी। रेड
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आपको खुद बताना पड़ेगा। और जिनको पता है आंसर, वेरी गुड। ऑप्शन देख ली, लंदन, पेरिस, टोक्यो, जिनेवा। तो ऑप्शन में अगर स्विट्जरलैंड हो तो स्विट्जरलैंड लगाना है, जिनेवा तो जिनेवा लगाना है, दोनों हो तो डील का देना है। ओके। अभी तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? 22nd क्वेश्चन। एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? तो रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? तो अब तक रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, 1863, जिनेवा और इसके अंदर हेनरी ड्यूरांट। ये याद रखने हैं रेड क्रॉस रिलेटेड। तो घनश्याम गर्ग जी, वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर आप जो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ डेली, लेकिन ये होता है कि पीडीएफ थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, जैसे कि 2 दिनों की या फिर 3 दिनों की इकट्ठी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ मैं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि डेली अपलोड नहीं कर पाते। अब क्लास लेते हैं थोड़ा लेट हो जाते हैं, कुछ और भी हमें फाइल्स चेक करनी होती हैं या फिर कुछ और भी हमारा जो है काम चल रहा होता है उसके बारे में हमें देखना पड़ता है, तो मैं डेली अपलोड नहीं कर पाता। लेकिन जैसे 2 या 3 दिनों बाद जितने भी लेक्चर होते हैं उनकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, और पीडीएफ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद के आंसर देख सकते, मतलब पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट ले लीजिए, प्रिंट लेने के बाद आप खुद उसके आंसर टिक कीजिए, और उसके बाद आकर वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने से आपके आंसर जो है क्लियर हो जाएंगे कि ठीक है कौन से मेरे आंसर गलत हैं और कौन से ठीक हैं। ओके घनश्याम गर्ग जी, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर देख लीजिए। नहीं दिया होगा बाय चांस तो मैं आपको जो है लास्ट के अंदर या फिर कल की क्लास में जो है पहले ही लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे हिसाब से आज भी लिंक होगा, मैं भी आपको चेक करके बता देता हूँ कि पीडीएफ डाउनलोड लिंक वो है चल रहा है या नहीं चल रहा है जो यहाँ पर डाला गया है लिंक, और नहीं भी चल रहा हो तो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? और यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा, आप एक बार जो है इस पे क्लिक कीजिए, लिंक पे, लिंक पे क्लिक करके आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्रा ओवल जी, पीडीएफ भी आती है, पीडीएफ में आप लोगों को देता हूँ, अच्छे से पीडीएफ भी देता हूँ। रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 5 मार्च, 14 अगस्त, 8 मई या फिर 12 दिसंबर को? तो रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 मार्च, 14 अगस्त, 8 मई या फिर 12 दिसंबर? तो बताइए, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे 8 मई, याद रख लीजिए 8 मई को। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1966, 1967 या फिर 1947? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1961 के अंदर। तो याद रखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, याद आपको रखना पड़ेगा। 1961 यहाँ पर जो है सही आंसर है। ओके। और इससे पहले जो हमने किया था उसके अंदर मैंने क्या करवाया था, अर्जुन पुरस्कार। मैंने लास्ट जो है क्वेश्चन हमने किए थे, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, वो भी 1961 के अंदर की गई थी। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी, और इधर एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना भी 1961 में की गई थी। ओके। आई होप आपको थोड़ा सा पसंद आता होगा कि सर इंटरलेट करके पढ़ा देते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? 1977, 80, 85 या फिर 1990? तो किस वर्ष दिया गया नोबेल पुरस्कार? 1977 ए इसका सही उत्तर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य यहाँ पर पूछा गया है, आर्थिक आकलन करना, मानवाधिकार की सुरक्षा करना, शिक्षा का विकास करना या फिर रोजगार प्रदान करना। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य काम यहाँ पर क्या है? तो उनका काम क्या रहता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार की सुरक्षा को, सुरक्षा प्रदान करना। ओके, राइट आंसर बी। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर इंटरपोल क्या है? इंटरपोल अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शोध ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोल। ओके। नेक्स्ट, WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर एनी बेसेंट? तो WHO की
पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। राइट आंसर है ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना कहाँ की गई? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क, बेलग्रेड, पेरिस या फिर लंदन? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ पर की गई थी, बताइए मुझे यहाँ पर। चलिए आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ, बिना ऑप्शंस के आप शायद आंसर नहीं दोगे, तो देख लीजिए यहाँ पर। नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई थी? न्यूयॉर्क, बेलग्रेड, पेरिस या फिर लंदन? तो NAM इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? बेलग्रेड के अंदर। ओके, राइट आंसर है यहाँ पर बी। और सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं डेली यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन आता हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, शेयर भी कर दिया करो। ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? ब्रिक्स में अब याद कर लीजिए, या तो पता होगा आपको ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, नहीं तो इसको पढ़ लीजिए, कितने वर्ड हैं यहाँ पर? पांच, तो उतने ही यहाँ पर देश हैं, 2, 5, 10, 15। तो ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं? पांच। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? नाम आपको अगर पढ़ लेंगे एक बार तो कभी भूलेंगे नहीं। कौन सी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर इसका मेंबर बना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980, 1985, 1995 या फिर 1998? तो WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर क्या है? 1995। ओके, और एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे हमने लास्ट जो है लास्ट सेट किया था उसमें सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। अब जो कर रहे हैं इससे रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। इससे पहले मैंने WTO का करवाया था, उसमें मैंने बताया था GATT, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, फिर WTO कैसे बना। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको लाइन वाइज करवाता जा रहा हूँ। डेली क्लास अटेंड करोगे आपका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। ओके, तो राइट आंसर इसका सी है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? WHO को, UNO को, WTO को या फिर ILO को? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड कौन सी संगठन है यहाँ पर? WTO। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? 1935, 1946, 1955 या फिर 1965? तो यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946। भारत के आज़ाद होने से पहले ही यूनेस्को की जो स्थापना की जा चुकी है, और अभी थोड़े दिन पहले, एक वीक पहले ही जो है यूनेस्को ने जो है किस सिटी को एक जो है सर्टिफिकेट दिया था, तो कौन सी सिटी को दिया था यहाँ पर? जयपुर को जो है उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो भी सर्टिफिकेट दिया गया है, तो जयपुर को भी मिला है। ये एक वीक पहले की बात है, तो ये करंट अफेयर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने किस सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट दिया है? तो जयपुर सिटी को दिया है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, इतना आपको याद रखना है। NAM का प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? NAM नॉन अलाइन मूवमेंट की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड, पेरिस, जिनेवा या फिर लंदन? तो NAM की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी, बताइए मुझे। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? बेलग्रेड के अंदर, क्योंकि यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, तो पहली जो है बैठक भी बेलग्रेड के अंदर ही हुई थी। तो दोनों आप याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भी वहीं पर की गई और पहली बैठक भी वहीं पर आयोजित हुई थी। ओके, वर्तमान में सार्क देशों के संगठन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सार्क देशों के संगठन की सदस्य कितनी है, मैंने बताया भी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जिनको याद है सार्क की स्थापना कब की गई थी मैंने भी आपको बताया है, बता दीजिए एक बार, फिर मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। वर्तमान में सार्क देशों के संगठन सदस्यों की संख्या कितनी है, बस इतना पूछा गया है, संख्या कितनी है यहाँ पर? तो टोटल 8 देश हैं सार्क के अंदर, 8 कंट्रीज है। राइट आंसर सी। और सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1985 के अंदर सार्क कंट्रीज की स्थापना की गई सार्क की। ओके, वेरी गुड राजेश, जयपुर को दिया गया था, गुड, आपको पता है, मैंने भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एपेक का, APAC, एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, लंदन, जकार्ता, सिंगापुर। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए मुझे फटाफट से। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर के अंदर। राइट आंसर है डी। और ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई, 2005 में, 9 में, 12 में या फिर 14 में? तो ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ब्रिक्स, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 के अंदर। राइट आंसर है बी। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2009 के अंदर। ओके, और ब्रिक टर्म को सबसे पहले यहाँ पर जो है 2006 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी, ध्यान में रखिएगा थोड़ा।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, मॉस्को, लंदन या फिर पेरिस? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर क्या है? लंदन। ओके, वेरी गुड, जिनको आंसर पता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है? लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, ये एशिया का वर्ल्ड बैंक है। इसको एशिया का वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाए कि एशिया का वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं, तो एशियन विकास डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक। ओके, का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है? तो मुख्यालय तो मनीला के अंदर है, रट्टा मारा हुआ, ठीक है, लेकिन ये किस देश में है? सिंगापुर, फिलीपींस, लंदन, जकार्ता। राइट आंसर क्या है? फिलीपींस। चीज़ों को समझा कीजिए, समझ के याद किया कीजिए, रेगुलर रहिए क्लास में, आपको बेनिफिट मिलेगा, चीज़ें आपको याद रहने लग जाएंगी और अच्छे से याद रहने लग जाएंगी, चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे। सार्क का आठवां सदस्य है कौन सा देश बना है? सार्क का आठवां देश कौन सा बना सदस्य है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो सार्क का लास्ट देश कौन बना है? अफगानिस्तान। राइट आंसर डी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? मैंने भी बताया और काफी लोगों ने कमेंट भी किया, तो याद रख लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे से भी पढ़ लिया कीजिए। यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा है? यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, क्रोएशिया, अफगानिस्तान। यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा है? तो यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, क्रोएशिया या फिर अफगानिस्तान। राइट आंसर है क्रोएशिया। ओके, सी इसका सही उत्तर है, सी। ओके, 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया? तो 11 देश हैं जो यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में मानते हैं, आधिकारिक मुद्रा, तो उन्होंने किस वर्ष ये डिक्लेरेशन की थी, किस वर्ष ये कहा था कि हमारी ये मुद्रा है, ये जो यूरो हमारी सभी देशों की मुद्रा है, तो किस वर्ष किया गया था? 1999, 2000, 2001 या फिर 2002। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? 1999, 1999 के अंदर उन्होंने कहा था कि 11 देशों ने कहा था कि यूरो आज से हमारी आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? अभी वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? 16, 17, 18 या फिर 19। स्टार्टिंग में 1999 में 11 थे, अभी वर्तमान में कितने देश हो गए हैं? तो अभी 19 देश हो गए हैं। राइट आंसर है, यहाँ पर ध्यान रखिए, 19 देश हो गए। ओके, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और अगर आपको पुराने क्वेश्चन देख रहे हैं, पुरानी वीडियोस देखी हैं, देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है, वहां पर आप जाके उसका जो है लिंक है 8 PM लाइव क्लास या फिर जनरल स्टडीज लाइव क्लास है, वहां पर जाकर आप लोग जो है लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। पुरानी क्लासेस को आप लोग, मैंने कल परसों बताया था स्टूडेंट को कि आप उसको तेज करके भी देख सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए थोड़ा तेज करके देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हम लाइव चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूँ, आप भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं, लेकिन जब आप क्लास आप खुद से पढ़ रहे हो तो उसको आप तेज करके भी समझ सकते हो क्लास को, ठीक है, तेज करके पढ़ सकते हो, लेकिन रिवीजन पर्पसेस के लिए, रिवीजन के लिए भी आप थोड़ा तेज करके पढ़ सकते हो, आराम से सुनना है, अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप आराम से सुन सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया लाइव क्लास का, वहां पर जाकर आप लोग जो है जनरल स्टडीज की लेक्चर्स हैं वो देख लीजिए, वहां पर ये क्वेश्चन आपको जितने भी आज तक मैंने करवाए हैं सारे क्वेश्चन वहां पर पड़े हैं, आप वहां से जाकर आसानी से कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट रहेगा, किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे पूछिए, नहीं तो फिर थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल मिलेंगे आपको पूरे 8 बजे। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू था तो मैं 8:05 पे ऑनलाइन आया था। ओके, तो टेक्निकल इशू को पहले मैंने दूर किया, फिर 8:05 पे मैं ऑनलाइन आ गया यहाँ पर आपके लिए। कल भी आऊँगा और आप क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके राहुल सरोज जी, थैंक यू सो मच, प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और एक बार जाते जाते क्लास को शेयर कर दीजिए दूसरे ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग इज़ पावर। रीमा जी, कल क्लास मॉर्निंग में 10 बजे शुरू करेंगे। ओके, कल क्लास मॉर्निंग में 10 बजे शुरू करेंगे। ओके, ध्यान रखना। चित्रा बबल जी, आज का PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी मैं थोड़ी देर को ये PDF वहां पर अपलोड कर दूंगा और नियर अबाउट आप 30 मिनट या 50 मिनट बाद चेक कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी, 30 या फिर 50 मिनट्स बाद आपको मिल जाएगी। वहां पर और भी बहुत सारी PDFs हैं आपको।